महाराज रघुनाथ शरण सिंह देव के नाम पर इस पैलेस का नाम रघुनाथ पैलेस रखा गया है। सरगुजा रियासत के परंपरा के अनुसार दशहरा पर महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव के समय शस्त्र पूजा के बाद हाथियों की शोभा यात्रा निकलती थी। इसमें स्वर्ण हौदा युक्त हाथी में महाराज व उनके पीछे तीन हाथी में युवराज बैठते थे। हाथियों की शोभा यात्रा छोड़कर वैसे आज भी पारंपरिक रीति रिवाजों को जरूर पूरा किया जाता है। महाराजा राजपुरोहित व बैगा की मौजूदगी में शस्त्र पूजा और कुल देवी की पूजा करते हैं। इसके बाद आम जन राजा के दर्शन कर भेंट देते हैं। यह है पैलेस का मुख्य द्वार और बगल में एक कुआं है। गुजरते वक्त के साथ पैलेस भी पुराना हो गया है। एक तरफ की दीवार धस गई है, फिर भी बहुत अद्भुत है। यह है पैलेस के बाहर ब्रिटिश कालीन विशाल तोप, जो उस समय में किसी भारी गोले को बहुत दूर तक छोड़ सकती थी। इसका प्रयोग ब्रिटिश काल में युद्ध वगैरह में किया करते थे। पैलेस में 7 आंगन हैं और यह है कचहरी, जिसमें सैकड़ों आदमखोर जानवरों के शरीर टंगे हुए हैं। महाराज रघुनाथ शरण सिंह देव को देश का सबसे सिद्धहस्त एलिफेंट कैचर माना जाता था। महाराज के व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके सामने आते ही हाथी खुद ब खुद काबू में आ जाते थे। उनके बेटे हिज हाइनेस महाराज रमानुज शरण सिंह देव भी अपने जमाने के सिद्धहस्त एलिफेंट कैचर थे। उस वक्त केनिया, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर बेकाबू गेंडे का आतंक था। गेंडे घायल था और इधर उधर दौड़ता था। गेंडे ने वहाँ के कई हाथियों को भी घायल कर दिया था।
इन दो बड़े जानवरों के बीच लोग घायल हो रहे थे। तब ब्रिटिश सरकार ने गेंडे का शिकार करने और हाथियों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। महाराजा रामानुजशरण सिंहदेव ने वहाँ की जनता को जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। वो विश्व के विख्यात शिकारी थे, विश्व के टॉप हंटरों में नंबर वन रहे। विश्व में सबसे ज़्यादा आदमखोर बाघों को मारने का विश्व कीर्तिमान उन्हीं के नाम है। महाराज कभी मादा, गर्भिणी, बच्चा, बूढ़े, सोए बाघों को कभी नहीं मारते थे, केवल ज़्यादा खूंखार आदमखोर बाघों को मारते थे। बताया जाता है कि वो 1100 से ऊपर बाघ मारे। हालांकि कई जगहों में 1752 से ऊपर बाघ मारने का रिकॉर्ड है। इस महल का निर्माण सन 1895 से बहुत पहले हुआ था, पर 1895 में उत्तर की ओर मुख करते हुए पूरा आकार दिया गया है। इसमें बेहतरीन साज सज्जा का श्रेय महारानी विजयेश्वरी को जाता है। महारानी विजयेश्वरी नेपाल राजघराने में से थी। महारानी ने नेपाल के पैलेस के तर्ज पर नक्शा तैयार कर इंजीनियर की टीम को पैलेस निर्माण का जिम्मा सौंपा। महाराज रघुनाथ शरण सिंहदेव महाराजा टीएस सिंहदेव के दादा और महाराजा रामानुज शरण सिंहदेव टीएस सिंहदेव के दादा के पिता थे। तो इस तरह सरगुजा की राजसी परंपरा में दशहरे का खास महत्व है। राज परिवार के मुखिया परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन के साथ कुल देवी पूजन की परंपरा पूरी करते हैं, जिसे देखने के लिए पीढ़ियों से आम जन सरगुजा पैलेस आते हैं। Thank you.